नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता बहुत खास होता है, इसमें बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन पति पत्नी अपनी सूझबूझ और प्यार के साथ हर उतार चढ़ाव को पार कर इस रिश्ते को निभाते हैं, इसकी बारीकियत को समझते हैं। लेकिन कई बार हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आ जाता है कि हमारा पति या हमारी पत्नी हमसे दूर होते चले जाते हैं। कई बार हम उसका कारण भी नहीं समझ पाते कि हमारे साथ ही क्या हो रहा है। जो इंसान कभी हम पे जान छिड़कता था, हमसे प्यार करता था, आज वो हमसे दूर कैसे चला गया, ऐसी हमसे क्या गलती हो गई। लेकिन कई बार गलती हमारी नहीं होती, गलती सामने वाले की होती है और उसकी गलतियों की सज़ा हमें भुगतनी पड़ती है। जी हाँ, ऐसा ही होता है कई बार, और हम हमेशा अपनी गलती को खोजने में लग जाते हैं कि ऐसी क्या गलती हमने कर दी, ऐसा क्या हमने कर दिया जो हमारा पति हमसे दूर चला गया, हमारी पत्नी हमसे दूर चली गई। जी हाँ, आज का जो उपाय है मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, एक ऐसा उपाय जो इन सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान है। जी हाँ, उन सभी पत्नियों के लिए ये उपाय है जो अगर इसको अपनाती हैं, अगर इस विधि को सही तरीके से करती हैं, तो उनका पति उनके प्यार में पागल हो जाएगा और सारी ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ उनसे ही प्यार करेगा, उनकी कही हर बात को सच मानेगा। लेकिन ऐसा कब होगा? जब इस विधि को सही तरीके से अपनाएंगे आप, सही तरीके से इस विधि को जब आप करेंगे, तो ये विधि इतनी सार्थक हो जाएगी कि कोई भी इस कार्य को पूर्ण होने से नहीं रोक सकता, कोई भी ऐसा नहीं है जो इस कार्य का काट कर सके। इतनी सरल और इतनी प्रचंड ये विधि है, और इस विधि में कोई खास सामग्री भी नहीं चाहिए। जी हाँ, बिना किसी खास सामग्री के ये विधि हो जाती है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि ऐसी कौन सी सामग्री इसके लिए आपको चाहिए जिससे आप इस प्रचंड विधि को कर सकें। इसके लिए आपको अपने पति का इस्तेमाल किया गया अंगवस्त्र चाहिए। जी हाँ, आपको अपने पति का इस्तेमाल किया गया अंगवस्त्र की ही सिर्फ आवश्यकता होगी इस विधि में। तो आइए अब समय न बर्बाद करते हुए मैं आपको बताती हूँ कि आखिर आपको करना क्या है, किस तरह अपने पति के अंगवस्त्र की सहायता से आप अपने पति को अपने प्यार में पागल कर सकती हैं। आपको अपने पति का अंगवस्त्र लेना है और उस पर अपना नाम लिखना है। ध्यान रहे, नाम अपना लिखना है, पति का नहीं लिखना है। उस अंगवस्त्र पर अपना नाम लिखना है और उसे हाथ में लेकर 51 बार मंत्र का जाप करना है। जी हाँ, 51 बार जब आप मंत्र का जाप करेंगी तो उससे आपका पति आपकी तरफ खिंचा चला आएगा, और वो मंत्र है ओम भव्य नमो नमः मोहिनी स्वाहा। जी हाँ, ओम भव्य नमो नमः मोहिनी स्वाहा, इस मंत्र का 51 बार आपको जाप करना है, और उसके बाद उस अंगवस्त्र को ले जाकर पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दीजिए। ध्यान रखिएगा, पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ना है, किसी अन्य पेड़ के नीचे नहीं गाड़ना। पीपल के पेड़ के नीचे जैसे ही आप उस अंगवस्त्र को गाड़ देंगी, आपका पति आपकी तरफ खिंचा चलाएगा, और ये विधि आपको रात्रि के समय करनी है, इस बात का खास ध्यान रखिएगा। जी हाँ, रात्रि के समय इस विधि को पूर्ण कीजिएगा, फिर देखिए कैसे आपका पति आपसे प्यार नहीं करता, कैसे वो आपके प्यार में पागल नहीं होता। आप जो कहेंगी वो बात उसके लिए सच होगी, आपकी कही हर बात वो मानेंगे, लेकिन कैसे? जब आप ये विधि अपनाएंगी, जब आप इस विधि को सही तरीके से करेंगी, तो हर कार्य होगा, सब कुछ होगा जो आप चाहती हैं। लेकिन कब? जब आप ये विधि करेंगी। तो सही तरीके से विधि को कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, मंत्र को सही तरीके से उच्चारण करना है, सही तरीके से मंत्र का जाप करना है। 51 बार बताया है तो 51 बार ही होना चाहिए, ना 50 होना चाहिए, ना 52 होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर गुरुजी को फ़ोन कीजिए, गुरुजी को अपनी समस्या बताइए, अपनी परेशानी बताइए, और उनसे अपनी हर समस्या, हर परेशानी का हल लीजिए, क्योंकि ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका हल गुरुजी के पास ना हो। तो बिना समय बर्बाद करे आप अपनी परेशानी का हल गुरुजी से प्राप्त कर सकते हैं। तो एक फ़ोन कॉल की दूरी पर आपकी परेशानी का हल है, तो आप क्यों परेशान होना? स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे फ़ोन कीजिए, गुरुजी से बात कीजिए और अपनी समस्या का हल लीजिए। जय माता दी दोस्तों।